उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी शहर को देश के टॉप 100 स्वच्छ शहरों में लाने का लक्ष्य पाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि मंडी को जनवरी 2020 तक स्वच्छता इंडेक्स में पहले 100 शहरों में शामिल करवाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने मंडी शहर को देश के टॉप 100 स्वच्छ शहरों में लाने का लक्ष्य पाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि मंडी को जनवरी 2020 तक स्वच्छता इंडेक्स में पहले 100 शहरों में शामिल करवाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। टॉप 100 में आने के लिए आवश्यक है कि 100% कूड़ा एकत्रण और घर पर ही सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग रखने की व्यवस्था को 100% लागू किया जाए। उपायुक्त स्कूली बच्चों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के प्रयासों की कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला मंडी में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के सभी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को नगर परिषद की सफाई व्यवस्था में सहयोग के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों सामाजिक संस्थाओं को इस अभियान में शामिल किया है। अब स्कूली बच्चों को भी अभियान से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है ताकि स्वच्छता व्यवस्था में वे सहयोग कर सकें। ऋग्वेद ठाकुर प्लास्टिक के कूड़े को रिसाइकिल कर उसे फिर से प्रयोग में लाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टॉफी व बिस्किट के रैपर को अलग से प्लास्टिक की बोतल में भरकर रखें तथा ज्यादा मात्रा में होने पर स्कूल में जमा करवाएं। उन बोतलों को कमेटी के कर्मचारी एकत्र कर उसे पुनः प्रयोग के लिए भेजेंगे। स्कूल में एकत्रित किए गए प्लास्टिक से जो आय होगी उसे पाठशाला के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने सभी पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों से आग्रह किया कि वे अपनी अपनी पाठशालाओं में प्रातःकालीन सभाओं में ठोस व तरल कूड़े के सही निष्पादन के बारे में बच्चों को जानकारी दें तथा पाठशालाओं में बाहर से आने वाले प्लास्टिक के कचरे को एक जगह एकत्रित करके उसे रिसाइकिल के लिए भेजें ताकि स्कूल प्लास्टिक मुक्त व स्वच्छ हो। उन्होंने कहा कि हर घर हर परिवार का कूड़ा एकत्रण की मौजूदा व्यवस्था से जुड़ना जरूरी है। इसके साथ ही लोगों को गलने वाले और नहीं गलने वाले कूड़े को घर पर ही अलग अलग रखने के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण काम है ताकि घरों से कूड़ा अलग अलग उठाकर उसका बेहतर निपटारा किया जा सके। ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर ना हो और न ही नालियां कचरे से चौक हो, नालियों में गंदगी ना जाए। क्षेत्र को बाध्य सोच मुक्त बनाने में जो व्यवहारिक अड़चने हैं उनका भी निदान तय हो। इस अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा वैद्य, नगर परिषद मंडी के सचिव बीआर नेगी, संस्था के संयोजक विनोद बहल, सह संयोजक अनिल शर्मा, सदस्य हेमंत शर्मा व ज्योत्सना टंडन, अजय कुमार के अतिरिक्त पाठशाला के अध्यापक व बच्चे उपस्थित रहे। मंडी शहर की सफाई के लिए ये जो अभियान हमने छेड़ा है उस अभियान की एक नई कड़ी में आज की शुरुआत हमने की है, जिसमें जितने भी यहाँ पर स्कूल्स हैं मंडी शहर में उन सब स्कूल्स में मॉर्निंग असेंबली के समय हम स्कूल्स में जाएंगे और बच्चों से आग्रह करेंगे कि हमारी जो स्वच्छता की प्रणाली है उसमें हमारा सहयोग करें। आज की शुरुआत हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स से की है, जिसमें हमारे साथ मेरे अपने संस्था जो है वो भी सामाजिक संस्था है वो हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही नगर परिषद के अधिकारी हमारे साथ हैं। और आज हमने आग्रह किया यहाँ पर सभी बच्चियों से कि हमारे जो कूड़े का निपटारा है उसको एक तो डोर टू डोर कलेक्शन में हम 100% अपना कूड़ा डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से ही दें और साथ में जब भी कूड़ा हम देते हैं घर से वो गलने वाला और न गलने वाला ही अलग अलग करके जो सेग्रीगेशन की हम बात कर रहे हैं सेग्रीगेटेड कूड़ा ही हमें उपलब्ध करवाया जाए